पवन एक्सप्रेस सारनाथ वाराणसी सिटी से मैंने ये सोचा कि कम से कम अभी किसरक एक्सप्रेस में आने में टाइम है, तो कम से कम एक घंटे तक यहाँ घुमा जा सकता है, क्योंकि हमेशा से सारनाथ मेरी लिस्ट में रहा। लेकिन हमेशा ये होता था कि कोई ओकेज़न नहीं बनता था, लेकिन आज बाबा की हेतु की कृपा की वजह से गंगा दर्शन, गंगा स्नान के बाद अचानक ये मूड आया कि पवन एक्सप्रेस से सारनाथ तक चला जाए। सारनाथ में भी देखिए स्लीपर में पूरा भरा हुआ, वैसे तो ऐसा लगता है कि ये सब रास्ते में उतरने वाले लोग होंगे, हो सकता है 10 बजे तक उतर जाएंगे, तभी चढ़े हैं सब लोग। बाकी ये सारनाथ स्टेशन को धीरे धीरे छोड़ती पवन एक्सप्रेस वास्तव में ब्रेक इवन करने के लिए आजकल रेलवे ने देखे 1, 2, 3, 4, 5 जो है एसी 3 टीयर दीनदयाल कोच की हालत बिल्कुल खस्ता, और ये लगेज एंड ब्रेक कार के साथ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 1161, 1162। अब लोग किस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं ये तो नहीं मालूम है, लेकिन किसी न किसी ट्रेन के इंतज़ार में लोग बैठे। ये सारनाथ स्टेशन जगह जगह थोड़ा बहुत चढ़ने के लिए ऊपर बनाया गया है, और मुझे भी दूसरी साइड इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि उस तरफ प्लेटफॉर्म एक की तरफ बहुत भीड़ थी। और ये थोड़ा रास्ता ऊपर चढ़ने को बना हुआ, इससे कोशिश होगी थोड़ी सी कि चढ़ा जाए कहीं पे, या फिर लास्ट तक जाया जाए उसके बाद चढ़ा जाए, कोई ट्रेन आती हुई